माननीय मुख्यमंत्री जी से अपील करना चाहूंगा, कल भी हमने कर्मचारी चयन बोर्ड का घेराव किया था, अध्यापक भर्ती का परिणाम जारी करवाने की मांग तो हम रख ही रहे कि अध्यापक भर्ती का परिणाम तत्काल जारी किया जाए, जिससे अगस्त में लेवल वन का और सितंबर में लेवल टू की ज्वाइनिंग मिल सके। वो हमने प्रयास किया, लेकिन साथ में हमने ये मांग की कि कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष सदस्य और कर्मचारियों की नियुक्ति की जाए, जिससे भर्ती परीक्षाएं आयोजित होनी है वो भी समय पर हो सके, परिणाम भी समय पर जारी हो सके और नई भर्ती की विज्ञप्तियां भी जारी हो सके। बड़ी संख्या में हमने घेराव करके मांग की थी। एक बार फिर माननीय मुख्यमंत्री जी से अपील कर रहा हूं कि पूरी भर्तियां प्रभावित हो चुकी है, जूनियर अकाउंटेंट और सूचना सहायक भर्ती तय समय पर सितंबर में नहीं हो रही, जो अधिकारियों ने हमें बताया, जो हालात बने, यदि चेयरमैन की नियुक्ति सही समय पर की जाती है और उनको बाध्य किया जाता है तो जो सितंबर में होने वाले एग्जाम, दोनों एग्जाम अक्टूबर में होने की संभावना है, यदि चेयरमैन चाहे उनको राज्य सरकार बाध्य करे तो, अन्यथा फिर अगले साल ये दोनों भर्तियां जाएंगे और भर्ती भी अगले साल ही जाएंगे। जो तमाम युवा जानने की कोशिश कर रहे थे सूचना सहायक और जूनियर अकाउंटेंट होगी कि नहीं होगी, तो हालात ये बन गए कि सितंबर में दोनों भर्ती परीक्षाएं नहीं होंगी। अध्यापक भर्ती के लिए हमने प्रदर्शन किया था, अतिरिक्त टीम लगाई है, तो कुल मिलाकर आचार संहिता से पहले दोनों भर्ती परीक्षा के जो चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति हो जाएगी, जिसके लिए हमने संघर्ष किया। साथ ही परिणाम लेवल वन का कब जारी होगा, क्योंकि यदि अतिरिक्त कर्मचारी नहीं लगाए जाते तो जो परिणाम सितंबर में जारी होता, लेकिन अगस्त महीने में यानी कि 20 तारीख के बाद इस महीने में इनका परिणाम जारी हो जाएगा, इसी महीने में लेवल वन का। लेवल टू का होगा सितंबर में। अब लेवल टू के सामने चुनौती आचार संहिता की भी, यदि परिणाम जारी होने के बाद सही समय पर ज्वाइनिंग नहीं हो पाई तो आचार संहिता के करीब ये भर्ती पूछ सकते, लेकिन हम उसको बचाकर जल्द ज्वाइनिंग कराने का हम प्रयास करेंगे। साथियों, अब हम लगातार मांग कर रहे हैं, क्योंकि मुझे पता था कर्मचारी चयन बोर्ड अध्यक्ष नहीं आया, सदस्य नहीं आया तो कहीं ना कहीं ये भर्तियां सारी अटकेगी, इसलिए हमने अध्यापक भर्ती की तो मांग की, एक साथ में अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति करने की हम मांग की है। ऐसा ईमानदार निष्पक्ष या तो कमेटी बना के तत्काल करे, या फिर यूपीएससी की तर्ज पर एक अच्छे व्यक्ति की नियुक्ति करे, जिससे ये भर्ती प्रक्रिया जो जिनकी परीक्षाएं होनी है, जिनका परिणाम जारी होना, जिनकी विज्ञप्तियां जारी है, वो तत्काल हो पाए। तो सभी अभ्यर्थियों के लिए विशेष, जो जूनियर अकाउंटेंट सूचना सहायक, उनके लिए विशेष मैसेज है कि जो ये भर्तियां बाधित हो रही है और हम सबको मिलकर आवाज उठानी चाहिए। आपका भाई यानी कि कोई भी नेता नहीं बोल पा रहा कि कर्मचारी चयन बोर्ड का अध्यक्ष ने इस्तीफा दे दिया, इन भर्तियों का क्या होगा, उन लाखों या बेरोजगारों का सपनों का क्या होगा। एक मैं था जो आपका दर्द जानता हूं, कल कर्मचारी चयन बोर्ड का घेराव किया, अध्यक्ष से लेकर सदस्य कर्मचारियों की नियुक्ति करने की मांग की है। हालांकि 40 अतिरिक्त कर्मचारी लगे हैं जिनकी ड्यूटी लगाई जा रही है, वो भी अध्यापक भर्ती के लिए, क्योंकि उन 48,000 परिवारों को भला हो सके, वो भी कल के प्रदर्शन के बाद उन कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई गई। तो साथियों, मैं मेरी तरफ से लगातार प्रयास कर रहा हूँ कर्मचारी चयन बोर्ड अध्यक्ष के लिए भी, आरपीएससी की भर्तियों के परिणाम के लिए भी, लंबित भर्तियों को पूरा करने के लिए भी, और 1,00,000 भर्तियों के लिए भी लगातार मैं संघर्ष कर रहा हूँ, उनकी भर्ती परीक्षाओं का कैलेंडर जारी हो, विज्ञप्तियां जारी हो, लगातार धरातल पर, चाहे 1,111 फीट का विश्व का सबसे बड़ा ज्ञापन देना हो, चाहे वो शहीद स्मारक 25 तारीख का आंदोलन हो, और चाहे अभी कर्मचारी चयन बोर्ड का घेराव हो, लगातार धरातल पर आप लोगों की आवाज उठा रहा हूं, और जब तक आप लोगों को न्याय नहीं मिल जाए तब तक मेरा और हम सबका प्रयास और संघर्ष जारी रहेगा। धन्यवाद।